बसमिल रही अकम्म मेरा नाम है इमरान और मैं हूँ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर तो आज का हमारा टॉपिक है बुनियादों को गुनिया में कैसे करते हैं और बुनियादों में गुनिया करने का सही तरीक़ा क्या होता है तो आज मैं आप दोस्तों को बुनियादों को गुनिया में करने का एक आसान सा तरीका बताऊँगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों की गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल पर ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पहले बटन ज़रूर दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिले तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं पहले बात करते हैं अगर आपका मकान गुनिए में नहीं होता यानी कि जब आप मकान बनाते हैं तो उसे गुनिए में ठीक नहीं बनाते उसके गुनिया को चेक नहीं करते तो जब आप फर्श पर मार्बल या टैल लगाते हैं तो आपके मार्बल या टैल की बहुत ज़्यादा कटिंग होती है जिससे आपके मार्बल या टैल का काफ़ी नुकसान होता है बाथरूम हो किचन हो या कमरे हो या टीवी वी हो या ड्राइंग हो एक तो मकान के गुनिए में ना होने से आप फर्श पर टैल लगाएं या मार्बल लगाएं एक तो फर्श जो होते हैं वो बड़े ही बुरे लगते हैं क्योंकि उनमें डिज़ाइन जो होता है वो चारों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा कटता है तो इसी वजह से वो काफ़ी बुरा लगता है और मार्बल या टैल लगाने वाले मिस्त्री को भी काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि उसे टायल और मार्बल की बहुत ज़्यादा कटिंग करना पड़ती है जिससे उसका काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है और मकान के गुनिया में ना होने का नुकसान ये भी होता है कि जब आप कमरों में दाखिल होते हैं तो आपके घर के कमरे जो होते हैं वो टेढ़े नज़र आते हैं चाहे आपने जितना महंगे से महंगा मार्बल या टैल लगाया हो या आपने अपना मकान बनाने में करोड़ों रुपए लगाए हों लेकिन गुनिए में ना होने से आपके मकान की खूबसूरती जो होती है वो बहुत कम हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि फर्श पर मार्बल या टैल लगाते वक्त आपका किसी किस्म का नुकसान ना हो और लेबर का खर्चा भी आपको ज़्यादा ना पड़े और आपका मकान भी खूबसूरत नजर आए तो आपने बुनियादें बनाते वक्त गुनिए का जरूर ख्याल रखना है तो गुनिया कैसे करते हैं मैं आज आप दोस्तों को एक आसान से तरीके से समझाता हूँ और वो भी सबूत के साथ आपने बस ये करना है इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप बासानी किसी भी जगह का गुनिया खुद निकाल सकते हैं जब आपने प्लाट में बुनियादों के निशान लगाने हैं तो तब आपने पहले गुनिया चेक करके बुनियादों के निशान लगाने हैं ताकि खुदाई मुकम्मल होने के बाद जब आप दीवारें बनाएं तो आप आसानी के साथ दीवारों को गुनिया में कर लें अगर आपने पहले गुनिया चेक ना किया और प्लाट गुनिया में ना हुआ तो जब आप बुनियादों की दीवारें गुनिया में बनाना चाहेंगे तो बुनियादें आगे पीछे हो सकती हैं और आपने जो खुदाई की होगी वो भी आगे पीछे हो सकती है और दीवारों को गुनिया में करते वक्त आपको काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है तो इसलिए बुनियादों के निशान लगाते वक्त आपने पहले गुनिया चेक करके निशान लगाने हैं और बुनियादों की खुदाई करनी है पहले आपने जिस प्लाट का गुनिया करना हो उसकी चार दीवारी कर लेनी है चाहे छोटी छोटी दीवारें क्यों ना बनाएं आपने चारों तरफ से दीवारें बना लेनी हैं क्योंकि प्लाट की चारों तरफ वाली दीवारें जो होती हैं वो तो आगे पीछे नहीं हो सकती उन दीवारों ने तो बिल्कुल उसी जगह पे बनना है जो भी आपके प्लाट का साइज है चारों तरफ दीवारें बनाने के बाद आपने मकान की पहली दीवार यानी बाहर वाली दीवार जो होती है उसको छोड़कर उससे आगे वाली दीवार जो होती है उस दीवार का निशान लगा लेना है अगर आप बाहर वाली दीवार बना चुके हैं तो आपने इस दीवार के दाड़े तो बाहर निकाले होंगे यानी दूसरी दीवार का जोड़ लगाने के लिए आपने ईंटे तो बाहर निकाली होंगी प्लाट चाहे छोटे साइज का हो या बड़े साइज का हो फार्मूला बिल्कुल एक जैसा ही है फ्रंट वाली दीवार को आपने छोड़ देना है उससे अगली दीवार जो होती है वहां से आपने गुनिया स्टार्ट करना है आमतौर पर जो बड़े घर होते हैं उन घरों में जो ड्राॅंग रूम के फ्रंट वाली दीवार होती है उस दीवार से आपने गुनिया शुरू करना है तो हमने इस प्लाट के फ्रंट पर खाली जगह छोड़नी है क्योंकि बिल्डिंग के फ्रंट पर लान है तो इसलिए हम पेमाइश के मुताबिक जगह को छोड़ेंगे हमने जो खाली जगह छोड़नी है वो 12 फुट छोड़नी है तो आप देख सकते हैं फ्रंट वाली दीवार से 12 फुट जगह को छोड़ दिया है आपने अपने नक्शे के मुताबिक जितनी भी जगह छोड़नी हो उतनी जगह छोड़ लेनी है हमारे नक्शे में तो 12 फुट जगह है आपके नक्शे में ये जगह 6 फुट होती है 7 फुट होती है 8 फुट होती है दस फुट होती है आपने अपनी ड्राइंग के मुताबिक जितनी भी जगह होती है उतनी जगह को छोड़ लेना है आपने दीवार की अंदर वाली साइड से तीन फुट का निशान लगा लेना है चाहे आप दीवार के अंदर वाली साइड से तीन फुट का निशान लगाएं या आप दीवार की बाहर वाली साइड से तीन फुट का निशान लगाएं आपने तीन फुट का निशान लगाना है एक और बात आप पहला निशान तीन फुट के बजाय चार फुट पर भी लगा सकते हैं अगर आप पहला निशान तीन फुट पर लगाते हैं तो दूसरा निशान आपको चार फुट पर लगाना पड़ेगा अगर आप पहला निशान चार फुट पर लगाते हैं तो आपको दूसरा निशान जो होगा वो तीन फुट पर लगाना पड़ेगा तो इसलिए ये आपकी मर्जी है आप चाहे पहला निशान तीन फुट पर लगाएं या चार फुट पर लगाएं तो हमने दीवार के अंदर वाली साइड से पहला निशान तीन फुट पे लगा लिया है तो अब हम दीवार की उसी साइड से उसी जगह से जहां से हमने तीन फुट पर निशान लगाया है तो हम दूसरा निशान चार फुट पर लगाते हैं ये आप देख सकते हैं हमने दूसरा निशान जो है वो चार फुट पर लगाया है क्योंकि हमने पहला निशान जो था वो तीन फुट पर लगाया था अगर हम पहला निशान चार फुट पर लगाते तो ये निशान हमने तीन फुट पर लगाना था तो हमारा दूसरा निशान जो है वो चार फुट पर है ये आप देख सकते हैं दूसरा निशान चार फुट पर लगाने के बाद हमने पहला निशान जो है वो भी दीवार के अंदर वाली साइड से लगाया था और दूसरा निशान जो है वो भी दीवार के अंदर वाली साइड से ही लगाएंगे अगर आप पहला निशान दीवार की बाहर वाली साइड से लगाते हैं तो दूसरा निशान भी आपने दीवार की बाहर वाली साइड से लगाना है ताकि फर्क ना आए और आप गुनिया जो है वो आसानी से निकाल सकें तीन और चार फुट के निशान लगाने के बाद आपने इनका क्रास चेक करना है अगर क्रास की पमैश पाँच फुट पूरी है तो आपका गुनिया बिल्कुल ठीक है अगर क्रास पमाश पाँच फुट पूरी नहीं है कम या ज्यादा पमैश है तो आपने जिधर दीवार बनी हुई है यानी बाहर वाली यानी बाहर की साइड वाली दीवार जो है जिस दीवार पर आपने निशान लगाया है या आपने ईंट रखी है उस निशान को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना जो आपने नई दीवार बनानी है यानी कि ड्राइंग रूम के फ्रंट वाली दीवार बनानी है यानी कि फ्रंट वाली दीवार को छोड़कर जो आपने दूसरी दीवार बनानी है उस दीवार वाले निशान को आपने आगे या पीछे करके पाँच फुट पूरा कर लेना है पाँच फुट को पूरा करने के बाद फिर आपने इस तरह से सूत्र लेना है सूत्र की मदद से आपका जो दीवार पर पहला निशान है चाहे वो 10 फुट पर है चाहे वो 8 फुट पर है या आपने इंटें रखी हैं या आपने इंटें निकाली हैं उनके साथ और जो गुनिए का निशान है आपने उनके साथ इस तरह से सूत्र को सीधा कर लेना है और जितना कमरे का साइज़ है उसके मुताबिक आपने इंटें रख लेनी है तो हमारे कमरे का साइज़ जो है वो अठारह फुट है इस तरह से अठारह फुट पर ईंटे रखने के बाद जितना कमरे का दूसरी तरफ का साइज़ है उसके मुताबिक आपने इंटें रख लेनी है यानी लंबाई कमरे की जो है वो अठारह फुट है और चौड़ाई कमरे की ग्यारह फुट है दस फुट है बारह फुट है नौ फुट है आपने उसके मुताबिक ईंटें रख लेनी है या निशान लगा लेने हैं तो हमारे कमरे का साइज दूसरी तरफ से जो है वो साढ़े तेरह फुट है तो हम दूसरा निशान जो है वो साढ़े तेरह फुट पर लगाते हैं आपने कमरे के चारों तरफ कमरे को साइज़ के मुताबिक बिल्कुल पूरा कर लेना है जितना भी कमरे का साइज़ है यानी कि आपके कमरे का साइज़ एक तरफ से 18 फुट है तो आपने दूसरी तरफ से भी 18 फुट पर निशान लगाना है और एक तरफ से आपके कमरे का साइज़ 13 फुट है तो आपने दूसरी तरफ से भी कमरे का साइज़ 13 फुट कर लेना है यानी आपने इंटों के साथ कमरे की चारों दीवारों के निशान लगा लेने हैं फिर आप निशान लगाने के बाद निशान लगाने के बाद फिर आपने इस तरह से क्रास पमैश चेक करनी है हमारे कमरे की क्रास पमैश जो आई है वो आई है बाईस फुट चेंज अगर गुनिया ठीक होगा तो कमरे की दूसरी तरफ से पमैश जो होगी वो भी बाईस फुट 6 इंच होगी तो चले हम दूसरी पमैश को चेक करते हैं तो हमने दूसरी पमैश को भी चेक किया तो हमारे कमरे की दूसरी क्रास पमैश जो है वो भी बाईस फुट 6 इंच है तो हमारा कमरा दुनिया में बिल्कुल सही है तो इस तरीके से आपने कमरे की क्रास पमैशो को चेक करना है अगर तो कमरे की क्रास बिल्कुल बराबर हैं अगर तो कमरे की क्रास क्रासमैश बराबर है तो आपका गुनिया बिल्कुल सही है गुनिया में जरा सा भी फर्क नहीं है अगर कमरे की क्रास क्रासमैश बराबर नहीं है तो गुनिया ठीक नहीं है तो एक और बात मैं आप दोस्तों को बता दूं जब आप तीन चार और पांच फुट का गुनिया सेट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से आप दीवारें बनाते हैं तो आपका कमरा जो होगा वो बिल्कुल गुनिया में होगा और ये जो दूसरा तरीका मैंने आप दोस्तों को बताया है कि आपने पूरे कमरे के साइज निकाल के उनके निशान लगा लेने हैं फिर आपने उसकी क्रास नमाशी चेक कर लेनी है ये मैंने सिर्फ़ आप दोस्तों को इसलिए दिखाया है ये जो तीन चार और पाँच का फार्मूला है ये बिल्कुल सही है अगर आप एक दीवार से इस तरह से तीन चार और पाँच फुट का गुनिया सही कर लेते हैं तो आपका कमरा जो होगा वो बिल्कुल गुनिया में होगा तो मैंने सिर्फ आपकी तसली के लिए इस कमरे की पूरी पमाशें निकाली और उनका क्रास गुनिया चेक करवाया और उनकी क्रास पमैशें आपकी तसली के लिए चेक करवाई हैं ताकि आपको तसली हो जाए कि जब आप तीन चार और पाँच का गुनिया सही कर लेते हैं तो आपके कमरे की क्रास पमैशें जो होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम इन निशान वाली जगहों पर दीवारें बनाएंगे और इन दीवारों से पमैश लेके घर की आगे वाली दीवारें बनाएंगे जब हम इन दीवारों के साथ पमैशें करके आगे वाली दीवारें बनाएंगे तो हमारे पूरे घर के कमरे जो हैं वो बिल्कुल गुनिया में होंगे तो जब हम मार्बल या टैल का, का काम घर में करवाएंगे तो मार्बल या टैल की कटिंग नहीं करना पड़ेगी और हमारा मकान जो है वो भी बड़ा ख़ूबसूरत नज़र आएगा और सीधा नजर आएगा तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक अपने भाई को इजाजत दें अल्लाह हाफिज